मार्वल की कुछ ऐसी फैन थ्योरीज जो कि मूवीज आने के बाद बिल्कुल रॉन्ग साबित हो गई। नंबर फर्स्ट पर आता है कि जो हेमडाल है उसके पास था सोल स्टोन। अब देखो जो इन्फिनिटी वॉर आने से पहले सोल स्टोन की लोकेशन पूरी तरह से प्राइवेट रखी हुई थी, इवन कि उसका एक ग्लिम्प्स भी हमें एमसीयू के अंदर नहीं दिखाया गया था। तो काफ़ी लोगों को ये लगता था कि जो हेमडाल है वो किसी भी रियलम के अंदर किसी की भी सोल को देख सकता है, और इसके अलावा उसकी आंखों का कलर भी सोल स्टोन से मैच करता है। तो मे बी जो हेमडाल है उसी के पास सोल स्टोन होना चाहिए, क्योंकि बाकी के दो इन्फिनिटी स्टोन्स भी जो एस गाड़ी पर थे लाइक स्पेस स्टोन और रियलिटी स्टोन। नंबर सेकंड पाता है मेफिस्टो वाज बिहाइंड द वोंडा विजन। अब देखो वोंडा विजन जैसे स्टार्ट हुई तो काफी लोगों को ये लगा कि जो ये सारा प्रक्रम है यानी कि विजन को जिंदा करना, ये सारा वोंडा ने मेफिस्टो के साथ डील कर किया है, जो कि कॉमिक्स में मेफिस्टो जिसके लिए फेमस भी है, जिस तरह वो स्पाइडरमैन से डील करता है उसकी आइडेंटिटी को वापस छिपाने के लिए। नंबर थर्ड पर बकी विल बी द न्यू कैप्टन अमेरिका। अब देखो बकी और कैप्टन की दोस्ती के बारे में तो आप सब जानते हैं, जिसके लिए जो कैप्टन वो आयरन मैन से भी लड़ गया, पर जैसे ही उसने एंड गेम के अंदर बकी को शील्ड ना पास करके उसे जो फैल्कन को दी, काफी ज्यादा फैंस हैरान हुए, और फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के अंदर काफी बंदे डिसअपॉइंट भी हुए ये चीज देखकर कि जिस तरह फैल्कन ने डिसरिस्पेक्ट की स्टार्टिंग में शील्ड की, तो बकी ज्यादा डिजर्व करता था। बाकी तुम्हें क्या लगता है, बकी ज्यादा डिजर्व करता है जो फैल्कन शील्ड?